और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कश्मीर पर खड़गे की टिप्पणी को शर्मनाक बताया गया। कहा कश्मीर पर टिप्पणी करके कांग्रेस ने नैतिकता खो दी है, कांग्रेस अखंडता एकता से खिलवाड़ कर रही है, ये बीजेपी ने हमला बोला। कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, कश्मीर की एकता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, कांग्रेस को अब 370 से डर लगने लगा है, ये बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे पर। प्रधानमंत्री ने भी आज नवादा से खड़गे की टिप्पणी को लेकर निशाना साधा और बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है। आप सबको याद होगा कि जिस समय धारा 370 पारित की जा रही थी उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोला था, उन्होंने, क्योंकि हमारा पूरा नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, तो अमित शाह जी ने क्या बोला था कि क्या उस वाले को भूल जाएंगे पीओके के, अरे जान लड़ा देंगे उसके लिए, ये है हमारी सोच। और उनकी सोच जानते क्या है, उनकी सोच ये है कि सिर्फ 370 अलग ही नहीं है तो नंबर भी भूल जाते हैं, मुंह से 371 निकल जाता है, मुझे लगता है शायद अब उन्हें 370 से डर लगने लगा होगा।